हेलो, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग पहले एडवांसेस, प्रायोरिटी सेक्टर, एनपीए, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके थे। और कैसे वर्किंग कैपिटल निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी। अभी हम बात कर रहे हैं क्रेडिट मैनेजमेंट। तो क्रेडिट मैनेजमेंट बेसिकली, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बोले तो, लोन का मैनेजमेंट है। लोन के मैनेजमेंट में डिसबर्समेंट के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो बेसिक चीज़ें आती हैं। टॉपिक कुछ बेसिक सा ही है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। रीड आउट करने के बाद इसमें जो भी चीज़ें पॉइंट्स निकल के आएंगे उसको हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट मैनेजमेंट की अगर पॉइंट से लेके चलें तो इसमें क्या चीज है, ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। तो क्रेडिट पोर्टफोलियो जो भी बैंक का है उसको मैनेज करना इज नोन एज क्रेडिट मैनेजमेंट, चाहे वो बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। द एक्सप्रेशन क्रेडिट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एज वेल एज मीडियम टर्म लोन एंड ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड विद इन इट्स परव्यू प्री सेंक्शन। अब देखो, उसने बोला है एक तो शॉर्ट टर्म लोन्स या मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स, और दूसरा एक वर्ड यूज किया हुआ है इसने, एडवांसेस, ठीक है। तो लोन्स एंड एडवांसेस को कवर करते हुए इंक्लूडिंग द ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इन सब का मैनेजमेंट करने के लिए इसी को वर्ड टर्म दिया क्रेडिट। तो क्रेडिट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक। और इसमें मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्या बोलता है, विद इन इट्स प्रीव्यू क्या बोलता है, प्री सेंक्शंस अप्रेजल। प्री सेंक्शन अप्रेजल, लोन देने से पहले जितना आप काम करते हैं, फिर आपने सेंक्शन कर दिया, सेंक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, डिसबर्समेंट होता है, पोस्ट लैंडिंग सुपरविजन होते हैं एंड कंट्रोल होते हैं। तो अगर कई बार एक क्वेश्चन इसको सिस्टमेटिक लगाने के लिए भी आ जाएगा तो समझ लीजिए आप, प्री सेंक्शन अप्रेजल है, सेंक्शन करेंगे, सेंक्शन करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर अप्रेजल होगा, और सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन के बाद डिसबर्समेंट करेंगे, और डिसबर्समेंट करने के बाद भी आपको ये देखना है कि आपने जिस पर्पज के लिए लोन दिया हुआ है वो लोन वो उसी पर्पज में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, और कंट्रोल, सुपरविजन एंड कंट्रोल। इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एंड डी रेगुलेटेड एनवायरमेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल हैव टू इन्वॉल्व इवॉल्व बेटर सिस्टम, अपना एक अच्छा सिस्टम उन्हें बनाना है, सिस्टम एंड प्रोसीजर टू मैनेज द क्रेडिट नीड्स ऑफ देयर हाईली डिमांडिंग कस्टमर, पर्टिकुलर द कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट जो हाईली डिमांडिंग कस्टमर होते हैं उनके लिए, और रिटेल सेक्टर के लोन उन जो लोग होते हैं उनके लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द पास्ट डिकेड हैव टोटली चेंज इन द बैंक। अब इसमें कुछ ऐसे नॉर्म्स आजकल आ गए हैं जिनको माइंड में रखते हुए आपको ये सारा काम करना है। तो क्या चीज है देखिए इसमें, अब सबसे पहली बात, जो ये बेसिल के नॉर्म्स आए हैं, बेसिल बेसिल के नॉर्म्स इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एसेट एएलएम की बात है, एक्सपोजर के नॉर्म है। एक्सपोजर के नॉर्म से हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार मैंने क्लासेस में डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है, कि हम कितनी, एक सिंगल पार्टी को कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कितना दे सकते हैं, ग्रुप कंपनी को कितना दे सकते हैं। रिस्क प्राइसिंग पॉलिसी एंड क्रेडिट रिस्क रेटिंग। अब रिस्क प्राइसिंग पॉलिसी से मतलब है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरओआई है, वो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, किसी को आप 8% ऑफर कर रहे हैं, किसी को 10 कर रहे हैं, किसी को 11 कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सिबिल के स्कोर के अकॉर्डिंग भी रेट्स कम ज्यादा होते हैं, ठीक। क्रेडिट मॉनिटरिंग में, मैनेजमेंट में एसेट क्लासिफिकेशन और इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजन, तीन चीजें आगे देखो इसको बोलते हैं। एक तो बोलते हैं आईरेक, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, तीनों चीजें आ गई। तो ये इसका हमने पूरा डिटेल लेक्चर ले लिया आपका। और अप्रेजल, क्रेडिट डिसीजन मेकिंग एंड लोन रिव्यू मैकेनिज्म। तो पहले तो आप अप्रेज कर रहे हैं, फिर डिसीजन कैसे होगा, क्या क्या सिस्टम है, कहाँ कहाँ प्रपोजल जाएगा, कौन सेंक्शन करेगा, और लोन को रिव्यू करना मीन्स जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था कि एक क्वेश्चन अक्सर जो है आता है, ये फिर स्क्रीन पे आ गया, तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि
इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि वो सॉलिड उसमें मिल जाए। तो क्या है क्वेश्चन? ये एक्सपोजर नॉर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक्सपोजर नॉर्म। एक्सपोजर नॉर्म्स का मतलब है कि बैंक कितना फाइनेंस किस पार्टी को कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट दे रखी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको किसी को भी खूब बहुत ज्यादा लोन दे दिए, किसी को नहीं दिए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे एक्सपोजर नॉर्म्स की जब भी बात आएगी तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि सबसे पहला जो एक्सपोजर नॉर्म्स है उसके बारे में बात अगर होगी तो वो है 15% का। 15% किसको बोला हुआ है? इन केस ऑफ सिंगल बोरोवर। इसका मैं यहाँ चार्ट से बताता हूँ कि सिंगल बोरोवर है तो आप उसे 15% ऑफ किस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज का? ऑफ द कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का मतलब है उसकी जो अपनी कैपिटल है। सपोज कीजिए किसी बैंक की 10,000 करोड़ की कैपिटल है तो इसका 15% यानी 1500 इतने करोड़ तक का वो एक सिंगल इंडिविजुअल को लोन दे सकता है, ठीक है। और इन केस ऑफ द ग्रुप बोरोविंग कितना है? 40%। तो 40% कितना है? अगर वो एक से ज्यादा बोरोवर है या कंपनी है या ट्रस्ट है या कुछ इस तरह का, ठीक है, क्लियर हो रही बात है। एडिशनल 10% टोटल अप टू 15%, वो 50% किस किस कंडीशन में? अगर वो जो उसका वो है क्रेडिट टू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है तो ये कितना है? 50%। और ये है कितना? 20%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वो कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया बताइए। सर एक बार और बताओ। हाँ, इसमें देखो ऐसा है, ये मैं बोला कि क्वेश्चन है एक्सपोजर नॉर्म्स। एक्सपोजर का मतलब है आप किस बिजनेस में कितना इंगेज हो रहे हैं। अगर आप कोई भी लोन्स दे रहे हैं और एक पार्टी को दे रहे हैं, एक नाम है जिसका, तो उसको आप 15% ऑफ कैपिटल फंड से ज्यादा नहीं दे सकते। कैपिटल फंड का मतलब है आपकी अपनी कैपिटल कितनी है। आपकी 10,000 करोड़ की कैपिटल है तो उसका 15% यानी 1500 करोड़ तक ही एक आदमी को लोन देंगे। फिर दूसरा आदमी आएगा तो दूसरे को भी आप 1500 दे दोगे। लेकिन वो कहता है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन ले रहा हूं तो आप उसे 20% दे देंगे। अब यहीं पे कोई ग्रुप कंपनी आ गई, कोई ग्रुप ऑफ बोरोवर्स आ गया, तो उस कंडीशन में वो जो 15% का जो क्लॉज है वो कन्वर्ट होके हो जाता है कितने का? 40% का। और अगर इंफ्रा है तो वो 50 का, ठीक है। फैक्चुअल बात है, कॉन्सेप्चुअली आप लोगों से जो आरबीआई के एक्सपोजर नॉर्म्स हैं, और ये क्वेश्चन प्रमोशन में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक। अच्छा, रिस्क की बात करें तो मेन रिस्क की बात करते हैं। तो रिस्क में कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आपको पता है क्रेडिट रिस्क, फिर क्या है? मार्केट रिस्क। और मार्केट रिस्क में लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट आते हैं और ऑपरेशन रिस्क। तो आपको ये बात पता है किससे? बेसेल में भी किसी भी क्रेडिट के लिए इतने रिस्क को वो किया गया है। क्रेडिट रिस्क डिफाइन एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस एसोसिएटेड डिमिनेशन ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी। तो क्रेडिट रिस्क सब पता है, कोई इसमें नहीं। अच्छा, अब यहां बोलता है सच रिस्क आर क्या क्या चीजें। देखो, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पे हुआ, फंड मे नॉट बी फोर्थ कमिंग फॉर द फ्रॉम क्लाइंट अपॉन इन्वोकेशन ऑफ एलसी। अगर एलसी या गारंटी का पीरियड आ गया और पीरियड में वो फेल हो गया, फेल का जिसका आपने गारंटी ले रखा उस वो फेल कर नहीं दिया उसने पेमेंट, तो उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। और इन्वोकेशन हो रहा है तो फंड्स नहीं आपके पास आ रहे हैं, आप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं वहां से। पेमेंट ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट ड्यू फ्रॉम द काउंटर पार्टीज मे नॉट बी कमिंग इन द केस ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन। तो ये वाली देखो, ये तो है लोन एडवांसेस वाली, ये है ऑफ बैलेंस शीट वाली, और ये वाली है इन्वेस्टमेंट वाली। इन्वेस्टमेंट तो ये हमने सब बता रखा आपको कि कोई भी डिपॉजिट्स जो बैंक लेता है उसको कैसे डिप्लॉय करता है,
फिर क्या है, फंड सिक्योरिटी सेटलमेंट मे नॉट बी अफेक्टेड सिक्योरिटी ट्रेडिंग। अगर आपने कहीं सिक्योरिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मनी मार्केट में जा रहे हैं, मनी मार्केट में जा रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी सिक्योरिटी है और वो सिक्योरिटी का सेटलमेंट नहीं हो रहा, आपने सिक्योरिटी दे दी उसका पेमेंट नहीं आ रहा वहां से। अवेलेबिलिटी एंड फ्री ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स में आइदर सीज और रेस्ट्रिक्शन में भी इम्पोज बाय द सोवरेन। अब कई बार क्या होता है कि आपने किसी कंट्री से ट्रेड किया हुआ तो उस कंट्री का पेमेंट आना है, लेकिन वहां की जो सोवरेन का मतलब यहाँ पे कंट्री से मतलब है, कोई कंट्री ने आपका रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कोई करेंसी पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कन्वर्जन में। जैसे कोई आप लोगों में से एग्जांपल देगा कि इंडिया में एक इंडिया एक ऐसे कंट्री से ट्रेड करता है जिसको अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ, अमेरिका ने उसमें ऑब्जेक्शन किए हुए हैं, अमेरिका जो है उसमें वो करता है आपको पेमेंट नहीं करने था, उसकी करेंसी का कुछ है, बता सकते हैं आप? ईरान सर, ईरान, वेरी गुड, ईरान। अभी न्यूज आया था कि हम लोग केवल ईरान से जब पेमेंट लेते थे, वो पेट्रोल लेते थे, मतलब ऑयल लेते थे, तो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट करके ले लेते थे, वो एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अभी अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगा दिए तो वहां से हम नहीं ले पा रहे। तो ये डिपेंड करता है कि कहां से क्या हो गया। ठीक, नेक्स्ट है। और अगर हम बात करें मार्केट वेरिएबल्स के, जो मार्केट लिंक्ड रिस्क हैं, ये सीआईबी वाले बहुत ध्यान से सुनिएगा, मार्केट रिस्क से रिलेटेड जो रिस्क हैं वो है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब आपके पास सिक्योरिटी है, आप सेल करना चाह रहे हैं लेकिन आपको प्राइस नहीं मिल रहे। इंटरेस्ट रेट रिस्क, फ्लक्चुएशन हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, वही रेट रिस्क है। रेट रिस्क दोनों में, ये इंटरेस्ट का है, इन्वेस्टमेंट पर है, ये इन्वेस्टमेंट पर है और ये फॉरेन एक्सचेंज पर है। कमोडिटी प्राइस रिस्क, जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आयरन पे, इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसे कमोडिटी बोलते हैं। और ऐसे इक्विटी प्राइस रिस्क, इक्विटी से मतलब क्या है, शेयर्स। आपने कैपिटल मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा, वहां से आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा, तो ये आरबीआई ने जो मार्केट रिस्क जो किए हुए हैं डिफाइन, वो इतने वेरिएबल्स पे किए हुए हैं। ठीक है, फिर बात आती है एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी की। सर एक सेकंड रोकूंगा, मुझे ना जो मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क में कंफ्यूजन हो जाता है सर, इसको कैसे याद रखा जाए? मतलब जितने आपने बताए ना, ये मुझे ऐसा लगता है यही क्रेडिट रिस्क है, यही मार्केट रिस्क है। मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। आपने बेसिक की क्लास ली अगर है और सीआईबी में है ना आप, तो जब हमारा ये मार्केट रिस्क ऑपरेशन रिस्क होगा तो और भी क्लियर होगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको, आप परेशान नहीं होइए, कि जो क्रेडिट रिस्क है वो रिपेमेंट से रिलेटेड है। अच्छा। और रिपेमेंट ऑफ किसके, लोन। जो मार्केट रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट तीन जगह होता है आपका, एक तो मनी मार्केट या बॉन्ड मार्केट में या डेट मार्केट में, और होता है आपका फॉरेक्स में, और थर्ड होता है आपका कैपिटल में। तो जो मार्केट रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आप देखिए सारे पॉइंट रिवाइज करता हूं मैं उसमें। लिक्विडिटी रिस्क, आपने सिक्योरिटी ले रखी, उसे बेचने जा रहे हैं, नहीं बिक्री, सिक्योरिटी के रेट बहुत फ्लक्चुएट हो गए। फॉरेक्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसके रेट फ्लक्चुएट हो गए। कमोडिटी प्राइस में क्या है, जो आपके ETF होते हैं ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, गोल्ड का, आयरन का, बुलियन का। और तीसरा है इक्विटी मार्केट, ये शेयर मार्केट। तो अभी और लोगों को भी क्या क्लियर हो पाया कि क्रेडिट रिस्क जो होता है सिर्फ लोन से रिलेटेड होता है, और जो मार्केट रिस्क होता है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, और बाकी सीआईबी वाले हैं तो उनके लिए अभी बहुत एक्सटेंसिव बेसिल की क्लासेस होंगी, तो उसमें बार बार हम इन बातों को रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है एसेट ऑल्को की। Is the top operational unit for the bank. Bank also face another risk known as the operation. अब यहाँ third risk आ गया। Operation risk की बात आती है, तो वहाँ पे human technical act of omission, commission. Omission commission का मतलब एक तो हुआ भूल चूक से होना, और commission का मतलब होता है intentionally करना, intentionally. अगर कोई intentionally गलत कर रहा है तो उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं,
फ्रॉड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सच एज इनइफेक्टिवनेस और ब्रेकडाउन इन द इंटरनल कंट्रोल, और उनसे क्या हो जाए आपका इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाए। द रिस्क कैन लीड टू लॉसेस थ्रू द फ्रॉड एरर्स और फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द टाइमली मैनर। तो इसमें कुछ भी इंसिडेंट होता तो ऑपरेशन रिस्क है। ऑपरेशन इंक्लूड द लीगल रिस्क, तो लीगल रिस्क एक ऑपरेशन रिस्क का एक पार्ट है, बट एक्सक्लूड स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशन रिस्क। स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशन रिस्क ऑपरेशन रिस्क का काम नहीं है, क्योंकि वो बाहर के किसी एक्सटर्नल की वजह से होता है। बैंक एडवांसेस पोर्टफोलियो इज क्लासिफाइड अंडर द, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कई बार हमने बात कर ली है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ द क्रेडिट अप्रेजल एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय बैंक एट द टाइम ऑफ फ्रेश क्रेडिट सैंक्शन, क्रेडिट एक्सटेंशन शुड बी फेल्ट विद द क्रेडिट रिस्क रेटिंग एज पर द रिस्क प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द। आप देखो यहाँ वाला द क्रेडिट रिस्क रेटिंग, यानी हमारे वहां एक कॉमन सी बात है कि सिबिल के अकॉर्डिंग आप रिस्क प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। द पोजिशन शुड बी पीरियडिकली रिव्यूड विद द कंसर्न बोरोवर एंड रेमेडियल मीजर। अगर आप जो बोरोवर है उससे आप रिव्यू करते रहेंगे क्या क्या चल रहा है, और अगर कुछ आपको कमी लगती है तो उसमें रेमेडियल माने उसका इलाज, रेमेडी को मतलब होता है इलाज करना, सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। और नोटिस फॉर रिन्यूअल एंड रिव्यू। अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि रिन्यूअल बड़ी एक्सरसाइज है या रिव्यू बड़ी एक्सरसाइज है? रिन्यूअल में बैलेंस शीट वगैरह सारा न्यू की तरह किया जाता है सर, न्यू की तरह देखा जाता है, सब डॉक्यूमेंट्स न्यू लिए जाते हैं। और रिव्यू में क्या होता है, लेस फॉर्मेलिटी होती है। लेस फॉर्मेलिटी से मतलब है कि जो आपका मैनेजर है वो केवल पास रिकॉर्ड देख के छोटी सी लाइन लिख देता है कि पास रिकॉर्ड फाउंड सेटिस्फैक्टरी सिंस रिव्यूड फॉर वन ईयर, ठीक है। और बैंकों ने अपनी पॉलिसी बना रखी है कि कोई लोन है तो उसको पर ईयर रिव्यू जरूर करना है, लेकिन जो बड़ी लिमिट्स होती हैं उनको पर ईयर रिन्यू करना पड़ता है, ठीक। दो रिन्यूअल फॉर द वर्किंग कैपिटल एडवांस एज पर द प्रेजेंट प्रैक्टिस इज डन एनुअली। देखो फॉर दोज लोन अकाउंट शोइंग साइंस और इंसिपिएंट सिकनेस और डेटोरेटिंग क्रेडिट रिस्क, तो जो खतरे के अकाउंट है उनको पर एनम आप रिन्यू करेंगे। क्वार्टरली शॉर्ट रिव्यू शुड बी कंड। अब देखो यहां पे आया शॉर्ट रिव्यू, यानी एक साल में रिन्यू कर रहे हैं, वन ईयर में आपका ये वन ईयर का टर्म है, इसमें एक बार आपने यहां रिन्यू किया और एक बार फिर यहां किया, लेकिन रिव्यू आप हर 3 मंथ में कर रहे हैं कि बीच में ठीक चला, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप उसको जो है वो करेंगे, ठीक है। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द लोन अकाउंट विद ए हाई और डेटरेटिंग क्रेडिट रिस्क बाय द ब्रांचेज और कंट्रोलिंग ऑफिसेस और हेड ऑफिस, तो क्लोज रिविजन। अच्छा, लोन्स की जब भी बात आती है तो लोन्स खराब होने के जो मेजर रीजन है उन रीजन में एक बड़ा रीजन हमारा आता है, ये कौन सा, ये डाइवर्जन एंड साइफनिंग ऑफ फंड्स। तो डाइवर्जन तो सिंपल हो गया कि आपने किसी को सुगर फैक्ट्री के लिए एडवांस दिया, लेकिन उसकी एक स्पिनिंग मिल भी है, स्पिनिंग मींस जहां पे जो कॉटन के थ्रेड धागे बनते हैं, स्पिनिंग मिल। तो उसने क्या करा, यहां पे आपने 50 करोड़ रुपए दिया, उसने 10 करोड़ रुपए वहां पहुंचा दिए दूसरे पर्पज में यूज करना, तो उसको बोलते हैं डायवर्जन। और साइफनिंग का मतलब होता है साइफन करना, साफ कर देना। 50 करोड़ रुपए आपने एडवांस दिया, उसने यहां कुछ भी नहीं लगाया और कोई भी चीज परचेज नहीं करी, अपना यूज कर लिया, ठीक है, डायवर्जन और साइफनिंग, ठीक। साइफनिंग ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि वो पैसा उसने लिया और वो यूरोप घूमने चला गया। Whenever stocks under hypothecation or cash credit and other accounts are found to have been sold out, but
प्रोसीड्स दे आर ऑफ नॉट क्रेडिटेड. तो आपने स्टॉक के लिए लोन दिया और स्टॉक को उसने सेल किया, सेल करने के बाद उसको क्रेडिट नहीं किया. सच ऑक्शन शुड नॉर्मली ट्रीटेड एज फ्रॉड. और फ्रॉड ही हुआ एक तरह का. इन सच केस बैंक्स मे टेक इमीडिएट स्टेप फॉर सिक्योर रिमेनिंग स्टॉक सो द प्रिवेंट फर्दर इरोजन ऑफ द वैल्यू. तो उसको इमीडिएट स्टॉक लेना पड़ता, एक्शन लेना पड़ता है कि बाकी जो बचा हुआ कम से कम उसको तो हमें संभाल लो. ठीक है. साइफनिंग ऑफ फंड्स शुड बी कंसीडर शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव अकर्ड इफ एनी फंड्स आर यूटिलाइज फॉर पर्पज अनरिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बोरोवर. यानी जिसके लिए उसने लिया था उसके लिए ना करके किसी अनरिलेटेड एक्टिविटी के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं साइफनिंग. टू द डेट्रीमेंट ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटिटी. और तो उसमें क्या है, इस कंडीशन में जो लेंडर है या उसकी जो बिजनेस एंटिटी है वो उसमें डेटरेशन आता है, डेट्रीमेंट होती है, कम हो जाती है. द डिसीजन एज टू वेदर द पर्टिकुलर इंस्टांस अमाउंट ऑफ साइफनिंग ऑफ फंड्स वुड हैव टू बी अ जजमेंट ऑफ लेंडर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव फैक्ट सर्कमस्टांस ऑफ केस. अब आए क्रेडिट मॉनिटरिंग. क्रेडिट मॉनिटरिंग, अभी इससे पहले हम क्रेडिट मैनेजमेंट से पहले हम क्रेडिट का क्या पढ़ रहे थे, सॉरी क्रेडिट मॉनिटरिंग से पहले क्रेडिट का क्या पढ़ रहे थे, आंसर दीजिए. मैनेजमेंट 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 पढ़ रहे थे. मैनेजमेंट जो है बहुत ब्रॉड टर्म, स्टार्टिंग से लेके एंड तक. ठीक है. मॉनिटरिंग में क्या आता है, बैंक टू आफ्टर द लोन डिसबर्समेंट आता है. मॉनिटरिंग क्या है, आफ्टर द लोन डिसबर्स्ड, लोन डिसबर्स्ड फॉर द सैंक्शन पर्पज एट द सेम टाइम कंप्लाइंग विद ऑल सैंक्शन टर्म्स एंड कंडीशन. तो पर्पज जिसके लिए दिया वही यूज हो और जो कंडीशन हो जिस जिस समय पर उसको देना है और वो रिपे कब कब करेगा वो सब चीजें. ठीक है. द पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज ऑल्सो अवॉइड टू टाइम लैग एंड कोस्ट cost overrun to detect early warning signals and symptoms. तो इसके लिए क्या है, एक तो time lag, मतलब बीच में gap ना हो जाए, और early warning signal, अगर आप monitoring ढंग से कर रहे हैं, monitoring में आता है, एक survey आता है, और ये जो survey है, post sanction है, post sanction, एक pre sanction होता है, एक post sanction, यानी कि loan देने के बाद भी आप देखने गए, उसने दुकान खोली या नहीं खोली. यूनिट फाइनेंस बाय द बैंक एंड टू इनिशिएट टाइमली एक्शन फॉर रिकवरी और रिहेबिलिटी अंडर क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट. सीएमए बोलते हैं इसको, ये वर्ड याद रखना, सीएमए, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट बैंक. तो क्या क्या चीज है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्रेडिट मॉनिटरिंग उसमें क्या है, क्योंकि इसमें छह ऑप्शन है इसमें, तो छह ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो ऑप्शन हैं जो आपके क्रेडिट मॉनिटरिंग में कवर होते हैं. ठीक है. तो क्या है, पहला, बोरो शुड मेंटेन रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल. यानी आपने जब उसको वो दे दिया, लोन दे दिया, तो उसके पास हमेशा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल जैसा उसके बैलेंस शीट का प्रोजेक्शन आया था उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. शुड मेंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एज पर. अब करंट एसेट की बात आती है तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ये दोनों ही जैसा स्टैंडर्ड है, बैंक की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट पे आता है करंट रेशियो, जो हमने बताया था करंट एसेट अपॉन लायबिलिटी 1.33. तो अभी यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक तो आंसर है 1.33. ठीक है. दो आंसर आपने बता दें हैं जो हमने कल क्लास ली थी, कल पढ़ा था. एक तो है 1.33, जरा दीजिए कौन से आंसर है. तीन रेशियो की बात करी थी हमने, एक तो है 1.7 और 1.25. 1.25, वेरी गुड. और ये जो 1.17 है, ये कितने मंथ तक अलाउड हो सकता है? ये तो बेस्ट है लेकिन यहाँ पे लिबरल किया हुआ, इतने तक चला लेते हैं हम लोग, लेकिन इससे कम भी चला लेते हैं तो ये कितने मंथ में रिस्टोर हो जाना चाहिए? I think 6 मंथ है सर, 6 मंथ का, नॉट करेक्ट लेकिन भूल गए.
ये मेरे को ऐसा ध्यान मैं भी देखो ये टू क्वार्टर है, टू क्वार्टर सिक्स मंथ बराबर है सर, ये चेक कर लेना टू क्वार्टर में, कभी टू क्वार्टर एकदम सही है, टू क्वार्टर मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, टू क्वार्टर तक रिस्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है, टू क्वार्टर है या आप लिख दो सिक्स मंथ की बात है, ठीक है। और क्या है एडहॉक लिमिट के लिए कितना टाइम है, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, नॉट एक्सीडिंग थ्री मंथ, एडहॉक लिमिट टेम्परेरी लिमिट बोलते हैं, ठीक। एज फार एज पॉसिबल पोस्ट सेल लिमिट्स आर सैंक्शन इन द फॉर्म ऑफ बिल फाइन। अब पोस्ट सेल्स लिमिट, पोस्ट सेल्स लिमिट का मतलब ये है कि उसने सपोज कीजिए 50 लाख की सेल कर दी और सेल के अगेंस्ट आपसे पैसा मांग रहा, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसके पास आए हैं वो कहता है बिल फाइनेंसिंग से करने दो, तो उन बिल ऑफ एक्सचेंज को फाइनेंस करे वो, यानी किसी को अगर क्रेडिट में वो सामान उधार बेच रहा है तो वो कोशिश करी जाए कि जिसने उसका सामान लिया है वो सामान क्या होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज बेस्ड पे होना चाहिए, जिससे कि बिल ऑफ एक्सचेंज को फाइनेंस कर दे और टाइमली एक्शन ले पाए बैंक, ठीक है। अब क्रेडिट मॉनिटरिंग के जो स्टेप्स हैं ये पूरे टोटल 11 स्टेप है, 11 स्टेप में क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं इसको। पहला है आइडेंटिफाई, क्रेडिट मॉनिटरिंग है लोन के बाद होता है ना, तो इसमें पहला वाला है आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनपीए, जब भी 2 मंथ से कंटिन्यूअस लोन डिफॉल्ट चल रहा हो। स्टडी द कॉज वेदर डिफॉल्ट इज ड्यू टू द इनहेरेंट वीकनेस और ड्यू टू टेम्परेरी लिक्विडिटी और कैश फ्लो प्रॉब्लम। कैश फ्लो प्रॉब्लम कब आती है कि सपोज कीजिए उसने अपने प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में दिया है कि 20 लाख रुपए पर क्वार्टर आ जाएंगे लेकिन नहीं आए, तो ये कैश फ्लो प्रॉब्लम है। टेम्परेरी लिक्विडिटी में क्या है कि कुछ छोटा सा टेम्परेरी आया, 2-4 दिन का ऐसे आ गया। और इनहेरेंट वीकनेस, बिजनेस की अपनी अपनी वीकनेस होती है कि कई बिजनेस ऐसे होते हैं जब भी प्रॉब्लम आती तो एक सेम टाइप की प्रॉब्लम आती। ऑफर कंटिजेंसी हेल्प इमिडिएटली, अगर आपने ये वाला चीज देख लिया तो आप नेक्स्ट स्टेप ये लेंगे कि उसको कैसे हम वो दे सकते हैं, जैसे एडॉक लिमिट दीजिए ट्राई के लिए, कैश फ्लो को मिसमैच को पूरा करने के लिए। इफ लिमिट्स आर फाउंड टू बी इनएडिक्वेट लीडिंग टू लोन डिफॉल्ट ड्यूरिंग द ईयर, आस्क द बोरोवर टू सबमिट द रिन्यूअल प्रपोजल एंड अनाउंस सुटेबिलिटी। तो कभी कभी क्या होता है कि उसको आपने कम दे रखा है लोन को, तो उसको आप पूरा करने के लिए उससे सबमिट प्रपोजल करवाइए कि भाई इसको सही करो दो, ठीक है। टैक्स आर ड्रॉन ऑन द पार्टी नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस और हैवी कैश विड्रॉल। कई बार क्या होता है कि वो आमतौर पर जितनी सीसी लिमिट हम देते हैं पता ही नहीं वो काहे के ले आ रहा, अपने घर में शादी कर रहा, अपने घर का मकान बना रहा, पता नहीं क्या कर रहा, 5 लाख 10 लाख की यूनिट में यही होता है, ठीक है। बिजनेस में तो उसने पैसा लगा रखा है, पहले से लगा रखा है, ठीक है, और अधिकतर पैसा ब्लैक में लगा होता है, तो उसका बिजनेस तो सही चल रहा होता है फिर भी वो लिमिट लेता है, लेकिन उस पैसे का यूज वो बिजनेस में ना करके कहीं और। एंड नो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द स्टॉक, और जब वो लिमिट लेगा तो पहले वो 20 लाख का स्टॉक दिखा रहा, अब भी 20 लाख का दिखा रहा, तो क्या फायदा हुआ उसको लिमिट देकर। पास चेक फॉर पेमेंट आफ्टर ए डिटेल्ड स्क्रूटनी, तो जो भी है सीसी लिमिट आपने देखा होगा, सीसी के जो चेक आते हैं वो सीसी का जो फील्ड अफसर होता है उससे पास करवाते हैं, उससे वो देखता रहता है कि भाई ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ठीक है। बोरोवर शुड बी एडवाइज टू स्टेट द पर्पज ऑफ द चेक फॉर विच दे डिस्काउंट, तो वो देख लिया कि उसे बोरोवर से पूछ लो भाई क्यों ले जा रहे हैं ये पेमेंट, कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। विजिट द फैक्ट्री इमिडिएटली, स्टॉक स्टेटमेंट नॉन सबमिटेड वेरीफाई द सिक्योरिटी, तो आपको पता है कि स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करने का कितना टाइम होता है, आंसर दीजिए क्वेश्चन प्लीज। स्टॉक स्टेटमेंट कब सबमिट करना होता है, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, पर मंथ 5 तारीख के पहले, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, 3 महीने के इंटरवल पे, एवरी मंथ नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में देना है। हाँ नहीं नहीं सुनिए सुनिए, मैंने बोला आफ्टर 3 मंथ ऑफ ड्यू। अब ड्यू से मतलब क्या है, जो आप लोग कई सारे आंसर दे रहे सब सही है, डिपेंड करता है किस स्कीम में दे रखा है। कई स्कीम में तो एक साल में एक बार मांगते हैं, कई स्कीम में हर महीने मांगते हैं, तो हर महीने जिसमें मांगते हैं तो इनिशियली जो है जिस महीने का स्टॉक स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि शुरू के 5 दिन में आपने लिख दिया आ जाना चाहिए,
लेकिन उसको 3 मंथ तक हमने टाइम दिया, 3 मंथ में तो आ ही जाना चाहिए, अब नहीं दे पाया, प्लस 90 डेज और दे दिया आपने, अगर नहीं देता है वो तो वो अकाउंट क्या ट्रीट हो जाता है? सबस्टैंडर्ड, ठीक है, सबस्टैंडर्ड, और इसको टेक्निकल एंट्री भी बोलते हैं, टेक्निकल एंट्री, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट है पॉइंट, कलेक्ट द इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस, फ्रीक्वेंट विजिट और कॉल, वेदर देयर इज डिफॉल्ट इन द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का देख लीजिए अगर सही पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, कीप द डॉक्यूमेंट लाइव, लाइव से मतलब क्या है, लाइव का हम लोग सीआईबी एक अच्छा टॉपिक लेंगे, सीआईबी वाले भी देख सकते हैं, लिमिटेशन एक्ट में लेंगे, तो आमतौर पर जो बेसिक अकाउंट्स हैं वो 3 ईयर में क्या हो जाने चाहिए, डॉक्यूमेंट लाइव रहने की 3 ईयर तक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इंप्लीमेंट द रिपोर्ट ऑफ द कंकरेंट, अब कंकरेंट ऑडिटर क्या होते हैं जो ब्रांच में अक्सर वहीं रहते हैं, या स्टेटरी ऑडिटर है, ब्रांच इंस्पेक्टर है, क्रेडिट ऑडिट है, रीजनल मैनेजर, इनकी विजिट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट करना, उन्होंने लिखा हुआ है इस अकाउंट की लिमिट डाउन कर दीजिए, इसका ड्रॉइंग पावर कम कर दीजिए, तो आपको कर देंगे, ठीक है। रीड द टोटल न्यूज़पेपर डेली, सर्टेन द पोजीशन ऑफ द अकाउंट ओवर द, अब न्यूज़पेपर डेली क्यों करना है, अभी रिसेंटली पीएनबी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपने आपको पता लगा मेहुल चौकसी वाला केस खराब हो रहा है, तो आपके वहां जो अकाउंट चले उसमें आप देख लेंगे ना, अरे हमारे वहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉरोअर इन द कंसोर्टियम मीटिंग, अब कंसोर्टियम मीटिंग से मतलब क्या है, जब कई सारे लेंडर एक पार्टी को लोन देते हैं, ये लेंडर है B1 B2, ये लेंडर है, इन्होंने लोन दे रखा 50 लाख का, 50 करोड़ का, जो भी है, तो वहां पर उनकी कंसोर्टियम मीटिंग में एक्सचेंज करिए, बताइए अकाउंट सही चल रहा है नहीं चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ठीक। अब यहां पर एक जो क्रेडिट मॉनिटरिंग का बहुत अच्छा जो है एक्ट आया हुआ है, उस जो सरफेसी का एक्ट आया हुआ है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आया, सरफेसी एक्ट में कॉन्सेप्ट आया है कि जितने भी आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं इक्विटेबल मॉर्गेज के, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, सिविल की तरह, सिविल में तो होता लोन देने का, लेकिन इस जो इसकी बात कर रहे हैं सरफेसी में, सरफेसी एक्ट चलता रहा 2002 से, सब कुछ होता रहा, एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जो भी हम इक्विटेबल मॉर्गेज करेंगे उनको भी कहीं एक लिस्ट करें सिविल के, सिविल में क्या होता है लोन्स की डिटेल होती है, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी की डिटेल होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। तो क्या हुआ देखिए, 2011 द सेंट्रल रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया, इसको हम सरफेसी में ही पढ़ेंगे एक बार, जिसका नाम सरसई आया, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, तो ये क्या हो गया, सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो सरसई का इंफॉर्मेशन हुआ जो कि कब से ऑपरेशन हुआ, 2011 से, और इसमें क्या हुआ, उससे पहले वाले जो थे उसने कहा एंड ट्रांजेक्शन ऑन और आफ्टर दिस डेट, ऑल ट्रांजेक्शन प्रायर टू इट में विच आर सबसिस्टिंग रिलेटेड टू द मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड इन फेवर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, तो वो हों उससे पहले वाले हों सभी वालों को यहाँ पे रिकॉर्ड करना था। The record maintained by the SARSAI will be available for search of any lender or any other person desirous to dealing with the property. तो कोई प्रॉपर्टी देख लेनी है आपको, आपको पता करना है ये है नहीं है, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। Institution notified under सरफेसी एक्ट में नोटिफाई किया गया, और इसमें क्या किया गया, mandatorily register the SARSAI the record of mortgage created their favor. डिपॉजिट, तो मैं बार बार ईएम, तो इसी को हम बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज की बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, दोज नॉट नोटिफाइड सेंसर डिबार्ड फ्रॉम द फाइलिंग रिकॉर्ड, और जो नहीं करेंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा कि आगे से वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं डाल पाएंगे। ऑल एनबीएफसी हैव बीन आस्क्ड टू फाइल, अब देखो ये क्वेश्चन ही आ सकता है कि सरसई इज अवेलेबल फॉर, उसमें लिखा जाएगा बैंक लिखा आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा आएगा, नाबार्ड लिखा आएगा, NBFC लिखा आएगा, इंश्योरेंस कंपनी लिखा है, ऐसा आ सकता है, उसमें पूछेगा
कि कौन है या नहीं, तो आप लोग एनबीएफसी को साथ मना ना कर दो, तो एनबीएफसी भी कोई इक्विटेबल मॉर्गेज के अगेंस्ट लोन देती है तो वो भी वहां रजिस्टर कराती है। ठीक है, चलो तो लेट सम अप में कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम भी है। तो पहली बात, तो सबसे पहली बात आती है कि इसके 6 प्रिंसिपल हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस, डाइवर्सिफिकेशन और सिक्योरिटी। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल की बात आती है तो डे टू डे फाइनेंसिंग होती है, उसमें रॉ मटेरियल को परचेज करना, स्टोर करना, स्पेयर्स करना, एम्प्लॉय के वेजेस हैं, आपके एनर्जी, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सपेंसेस हैं वो हो गए, और कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन या सेलिंग से रिलेटेड हो वो सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल है वो ना तो एक्सेसिव होनी चाहिए ना ही इनएडिक्वेट, बोथ सिचुएशन जो है अच्छी नहीं होती है इसमें। ठीक है, एक्सेसिव का मतलब है कि आइडल फंड है उसके पास, बहुत पैसा पड़ा हुआ यूज नहीं कर रहा। ठीक है, तो प्रॉफिट नहीं होगा उसका। इनएडिक्वेट में क्या होगा, शॉर्ट ऑफ फंड में हो जाएगा और उसका ऑपरेशन प्रॉब्लम में आएगा जिससे भी लॉस होगा आपको। ठीक है, क्रेडिट मैनेजमेंट की बात आई थी तो उसमें क्या है, क्रेडिट मैनेजमेंट में क्रेडिट पोर्टफोलियो द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सप्रेस क्रेडिट का मतलब थे कौन कौन से, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म लोन एंड एडवांसेस ऑफ बैलेंस शीट आइटम, यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ये चीजें आती हैं क्रेडिट में। और क्रेडिट मॉनिटरिंग की जब बात आती है तो उसमें क्या होता है कि फंड का यूटिलाइजेशन ठीक होना चाहिए, स्टॉक का स्टेटमेंट प्रॉपर आना चाहिए, एनपीए वगैरह है तो उसकी मार्किंग होनी चाहिए, कहीं पे आपको कुछ और वो चेक करना है, नोटिस देना है, वो करना, वो पूरा करना चाहिए, कोई लीगल एक्शन लेना है तो वो भी सब इसमें आना चाहिए। और कभी कभी यहाँ पे सिम्टम ऑफ इंसिपिएंट सिकनेस, उस कंडीशन में बोला टाइमली इनिशिएट करना चाहिए एक्शन, काहे के लिए, या तो रिकवरी करो या उसकी रिहेबिलिट करो। रिहेबिलिट में करेंगे तो इसको रिस्ट्रक्चरिंग और रिफेसमेंट, तो ये सारे जो है एक्शन हो सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग में और इसमें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग ये करते हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग आर, कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग आर, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। ई आएगा सर, कौन सा सर, ओके ई आएगा सर, ई सर, ऑल ऑफ द अबव आएगा, इसका रीजन सुन लीजिए, देखिए ई आएगा, ई। तो इसमें क्या है ऑप्शन में, वन टू थर्ड, ये तीनों है भाई, छह सिक्स थे ना, सिक्स कार्डिनल है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, लिक्विडिटी विद द बैंकर, मींस लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ऑल सर, ऑल ऑफ द अबव, डी आएगा सर, डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव आएगा। आपके हैंड में पैसा होना चाहिए या बैंक बैलेंस होना चाहिए या शॉर्ट टर्म करंट एसेट जो होते हैं कैश में कन्वर्ट, उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अगेन सर, ये लिक्विडिटी मार्केट रिस्क है या क्रेडिट रिस्क है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया इन्होंने। यहाँ पे लिक्विडिटी सिर्फ आपकी जो आपके पास एसेट्स हैं, मार्केट इन्वेस्टमेंट वाले की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट वाले की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास जैसे रिसीवेबल्स हैं, कुछ पैसा आ रहा है आपको, क्रेडिट हो गया, हाँ, तो यही जो है कैश ऑन, वो जरूरत पड़ने पर जब आपको डिमांड है, आपको रिक्वायरमेंट है, उस समय आपके हाथ में होना चाहिए, ये वो मार्केट रिस्क वाला बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें लिक्विडिटी का, इस वाले में। वो जो लिक्विडिटी रिस्क है वो लिक्विडिटी नहीं है, फर्क समझ लीजिए, एक वर्ड है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बहुत ब्रॉडर टर्म है, उसी में एक लिक्विडिटी का रिस्क होता है। ठीक है, लिक्विडिटी तो किसी में भी हो सकती है। ओके, अच्छा, थर्ड में क्या है, आप लोग आंसर तो नहीं खोल रहे बुक से? नहीं सर, नहीं, नहीं। अगर आप आंसर खोलेंगे, वैसे सीआईबी वालों को तो बुक होगी भी नहीं शायद, तो अगर आप आंसर खोलेंगे तो फिर जो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा जो आपने किया था उसको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बात आई थी, सीपीए की बात आई थी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आएगा सर,
कस्टमर का मतलब वहां पे लिखा था कस्टमर के बिजनेस का मतलब, बिजनेस सी आएगा, सी आएगा। ये ब्रांच का मतलब नहीं था उसमें, ठीक है। और कस्टमर की को लैंडिंग से पहले का एक्सरसाइज कुछ नहीं था उसमें, था कस्टमर जो बिजनेस कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। बैंकर कैन रिड्यूस रिस्क इन लैंडिंग टू ए बोरोवर, क्या आंसर आएगा? बोरोवर को लोन देने में क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है? Obtaining security is one of the good answer, and if your name will be or no problem for the debt to be by ensuring there is ye bhi hai, then by ensuring there will be a default on having a lack of liquidity. चलिए मैं पढ़ता हूँ। By ensuring that there will be no default, तो सबसे पहले कहते हैं भाई मेरा पैसा तो ही डूब जाएगा, और किस कंडीशन से? लिक्विडिटी से। मान लिया उसका, उसने खूब सारी सेल कर दी, उसको पैसा नहीं आ रहा, लैक ऑफ विलिंगनेस, पैसा आ रहा देना नहीं चाहता, तो वो इस चीज से अपने आप को कर सकता है, ठीक है। इन बैंकर्स पैरलेंस क्रेडिट रिस्क इन लैंडिंग रेफर्स टू, अब बताइए मीना जी इसका आंसर बताइए। ओके सर, क्रेडिट रिस्क पूछ रहा। क्रेडिट रिस्क इन द वेंडिंग रेफर डिफॉल्ट बाय द रिपेमेंट ऑफ द बोरोवर, ये भी सही है सर, यही है सर, डिफॉल्ट बाय द बैंक टू रिलीज द क्रेडिट। अब देखो सुनो, वहां हमसे गलती क्या होती है। हाँ सही है, हमने ए पढ़ा, हमने कहा ये भी सही है या यही सही है? यही सही है सर। तो आगे के एक दो तो देख लो कम से कम। अच्छा ठीक है, ठीक है, वहां गलती हो जाती है, पहला ही मास्टर लगाते हैं, पता लगा नीचे ऑल ऑफ द वो लिखा था, ठीक है। तो सीआरआर का मेंटेनेंस करना क्रेडिट रिस्क में नहीं आता, और किसी डिफॉल्ट ऑफ ऑफ ए बैंकर टू रिलीज द क्रेडिट ओवर, मतलब बैंक नहीं कर रहा है, बैंक का काम गलत हो रहा तो भी मतलब नहीं, यहाँ मतलब है कौन, बोरोवर अगर गड़बड़ कर रहा तो, ठीक है। हाँ ये आ गया, देखो क्वेश्चन आ गया, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट वर्किंग कैपिटल मींस, ये आएगा सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आएगा सर। ये क्वेश्चन उस समय हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला भी था आपको इसमें सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई पूछ भी रहा था कि नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, करंट एसेट में एक एक टर्म और आती है कि जो विद इन 12 मंथ में रिसीव हो जाते हैं या रिसीवेबल्स होते हैं, वही हमारे करंट एसेट होते हैं, करंट लायबिलिटी जो विद इन वन ईयर आपको देने हैं, ठीक है। मेजर करंट एसेट्स आर, करंट एसेट में अब कौन कौन से आए देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो करंट एसेट में पहली बात मैं नेगेटिव से चलता हूं, ये नहीं आएगा, यस ठीक है, और बी आएगा, ये आएगा सर पक्के में मार्केटेड। अब देखो यहाँ पे टेक्निक है, हमारे बी भी सही है सर, ये मेजर मेजर करंट एसेट बोला है सर, करंट एसेट मेजर बोला, मेजर करंट एसेट ए में इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू कैश लिक्विड में जो करंट एकदम जाएगा, तो उस कंडीशन में उसने बोला मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट एंड, तो ये तीन तो चीज आ गई यहाँ पे देखो, कैश रिसीवेबल इन्वेंटरी के साथ कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के इन्वेस्टमेंट भी किसमें आ रहे हैं, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट वो भी किसमें आ रहे हैं, करंट एसेट में आ रहे हैं, ओके सर, ठीक है, ये सही है, ये सही है। चलो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल सर, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या जी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसको आप सेल परचेज कर सकते हैं, मतलब जैसे कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ कुछ उसको आप दोबारा किसी और को सेल कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट सिंपल समझ लो आप, जैसे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसको आप मैच्योरिटी तक वेट करना पड़ता है तो वो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट में नहीं आता, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसको आप बीच में भी कहीं पे आप सेल कर सकते हैं उनको आप मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। एट बताइए, ऑल ऑफ देम, ना ना आएगा सर, ई बी आएगा सर, बी आएगा सर, ना बी है सर, बी बी डी आएगा सर, डी। चलो बताते हैं, देखो क्या ये वर्किंग कैपिटल का सोर्स है, यस
बैंक बोरोइंग से पूरा बैंक से लेते हैं सर लोन लेते हैं सोर्स है हां तो होता है ना यस ट्रेड क्रेडिट का मतलब आपने जिससे रॉ मटेरियल परचेज किया वो भी होता है आपको कहा ठीक है 6 महीने बाद दे देना पैसा हां ये भी आएगा बात हमारी हुई थी और ऐसे क्वेश्चंस में जहां ऑल ऑफ द और नन ऑफ द होता है अगर आपके टू ऑप्शंस भी ओके हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो रहता है और तीसरा जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल प्योर है नेटवर्किंग कैपिटल ठीक है वर्किंग कैपिटल मींस ए ए ए आएगा डे टू डे ठीक है इसमें क्या था हमारा वो ऑप्शन क्या था डे टू डे एक्टिविटीज एक्टिविटीज ठीक है नाइन्थ का ये हो गया टेंथ का अब देखिए पेबल आफ्टर वन ईयर बोला था हमने 1 to 10 ये 10 की जगह 30 भी हो सकता है रिपेमेंट आर डन ऑन इंस्टॉलमेंट में होता है और क्या करने के लिए दिया जाता है फिक्स परचेज करने ठीक है नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल नीड्स आर एस्टिमेटेड बाय All sir, all. D sir. D. Any of the. D. तीन थे. हमारे मेथड थे कितने वैसे टोटल? चार. चार थे. फोर मेथड. फोर थे ना मेथड. हाँ. एक तो ऑपरेटिंग साइकिल था. इसमें से आपको आंसर देना है. Which one is left? Project turnover method, cash budget method. प्रोजेक्टेड नहीं प्रोजेक्टेड है एनुअल टर्नओवर सर नहीं वो तो टर्नओवर एनुअल टर्नओवर एक ही में आता है अरे ये लिख तो दिया मैंने आंसर बताइए नेटवर्किंग कैपिटल हाँ नेटवर्किंग कैपिटल मेथड भी था ना एक चलो ट्वेल्थ में देखो डिफरेंस बिटवीन कैश बजट ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने समझाया आपको कई बार समझाया कैश बजट कैश फ्लो इस कैश फ्लो ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है नहीं ये बताओ पहले कैश एंड कैश फंड्स हां सही है सही है सर सही है सही है पहला बोला था ना कैश फ्लो में बोथ वाला दोनों आता है और नॉन कैश दोनों होते हैं दोनों होता है दूसरा कैश बजट डील्स विद कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक है कैश फ्लो स्टेटमेंट आर जनरली फॉर क्वार्टरली और हाफ ईयरली और कैश बजट और भी छोटा होता है कैश बजट इज ए प्रोजेक्शन इनटू फ्यूचर व्हाइल अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल ध्यान आ रहा कुछ ये लाइन कैश फ्लो जो होता है हिस्टोरिकल होता है और ये जो होता है प्रोजेक्शन होता है फ्यूचर में इतना पैसा मुझे इतने डेट तक आ जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ठीक है आगे नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कैश बजट कुड बी कैश बजट मेथड के क्या एग्जांपल हो सकते हैं बोरोअर शुड प्लान इन एडवांस कैश रिक्वायरमेंट्स ऑल ऑफ द अबव सर बोरोअर शुड प्लान इन एडवांस भाई कैश बजट बनाओगे आप तो ये जो प्लानिंग है ये होगी आपकी बैंकर इज एबल टू स्पॉट ए डेंजर सिग्नल क्विकली तो ये भी बिल्कुल आया था पॉइंट कि अगर उसके पास उसने क्या था कि मेरे को 15 लाख आएगा और उस मंथ में क्रेडिट नहीं आया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है बैंकर कैन प्लान हिज रिसोर्सेस टू मीट द क्रेडिट डिमांड तो बैंक को भी पता रहता है कि हमने मान लिया किसी को लिमिट दे रखी है और लिमिट हमने उसकी 10 लाख की कर दी अभी उसने केवल 2 लाख लिया हुआ है तो आपको पता है कि कभी भी वो 8 लाख का चेक इशू कर सकता है तो आप क्या करोगे अपना जो टोटल जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है इतना फंड अवेलेबल रखेगा आपके पास ठीक है ऑल ऑफ द अबव ठीक है नेक्स्ट है देखो ये क्वेश्चन आ गया मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में प्रमोशन में मिल सकता है तो इसमें क्या है 1540 सर इज देयर एनी एक्सपोजर सीलिंग ऑफ द बैंक प्रोवाइडिंग द बोरोअर कौन सी वाली बताया आपने
ए है सर, ए। देखो ये है नॉर्मल कंडीशन वाली, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर यहाँ पे कितना लिखा होता, 20 लिखा होता तो सही हो जाता है, सही हो जाता है। चलो, क्रेडिट डिसीजन आर अफेक्टेड बाय रिस्क लाइक, ये तो होना चाहिए 15 का, क्रेडिट डिसीजन आर अफेक्टेड बाय रिस्क लाइक क्या होता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, ये होगा तो होता है ना, तभी तो हम बार बार बेसिल जब भी पढ़ते हैं तो बेसिल में ये रिस्कों को स्टडी करते हैं, और बेसिल डायरेक्टली जो लिंक्ड है वो लोन से रिलेटेड लिंक होता है, किसी को भी लोन देंगे ना आप तो उसकी यूनिट की इतनी चीजों को देखेंगे आप। अगला लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट, ये बिल्कुल नहीं है, बताओ ये किससे रिस्क है, मार्केट रिस्क, ठीक है, और ये भी किससे लिंक है, मार्केट रिस्क, मार्केट, आगे सारी चीजें हुआ होगी, कमोडिटी, इक्विटी, फॉरेन इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी, याद आ रहा कुछ, यस सर। 16, हु डिकोड द बेस रेट, कौन करता बेस रेट, बैंक, खुद कर, बैंक, अच्छा आरबीआई भी करता है बेस रेट क्या, नहीं सर नहीं करता, नहीं वो सीआईएससी, वो मीरा सर ने एकदम फोर्सफुली बोला था ना ये बैंक के ऊपर छोड़ाया करके, इसके ध्यान में रह गया हो, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आरबीआई की वेबसाइट में बेस रेट लिखा रहता है लेकिन वो अपना बेस रेट होता है, ठीक है, तो आंसर तो यही है बिल्कुल, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे सारे बैंक अपना अपना बेस रेट देते हैं ऐसी आरबीआई भी अपना बेस रेट अपनी वेबसाइट पर देता है, ठीक है। अच्छा 17 में क्या है, देखो सरसाई का मतलब क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, टू कंपाइल स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू द टोटल इमोवेबल प्रॉपर्टी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टोटल इमोवेबल प्रॉपर्टी तो बहुत सारा, इतना इमोवेबल प्रॉपर्टी है उसमें से इतना ही सा सरसाई में आया हुआ है, तो इसका कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा ना, ठीक है, क्लियर हो गया सर। एक तो ये जो है हमारा ये क्रेडिट मॉनिटरिंग वाला एक यूनिट था, सीआईबी वाले ये सब जितने पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस किए हुए हैं सब आगे आपका जब एबीएम में मॉड्यूल होगा। डाउट है सर, दो डाउट, हाँ पूछिए। ad hoc limit are sanctioned for period not exceeding 3 months, बोला था 3 months, तो अपन जो 360 दिन का क्राइटेरिया लगाते हैं तो इसको 90 दिन पकड़ना है कि 3 months ही पकड़ना है, अच्छा इसमें 3 months ही है, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे 3 months क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जैसे सपोज कीजिए आपने किसी को लिमिट 23 ऑफ अगस्त को एड ऑक दिया, तो आप 23 ऑफ 11 को बोलेंगे कि इसको रिपे कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए अकाउंट को, इस ड्यूरेशन में रिपे हो जाना चाहिए, और अगर रिपे नहीं होता है तब आप 90 दिन तक वेट करेंगे, और नहीं देता है तो क्या बोल देंगे उस अकाउंट को, सब स्टैंडर्ड में चल जाएगा, ठीक है सर। एक डाउट पूछिए ना सर, एक डाउट, हाँ पूछिए सर। सरफेसी और सरसाई जो दो पार्ट अलग अलग है, तो सरसाई जो है ये रजिस्ट्रेशन है और सरफेसी एक्शन है, क्या दोनों पार्ट अलग अलग है, मैं बता दोबारा बता देता हूँ, सरफेसी एक्ट है, यहाँ देखिए जरा, सरफेसी का एक एक्ट है, ये 2002 में आया और
लोन को रिकवरी करने के लिए अच्छा चलता रहा। फिर लेटर ऑन 2011 में उन्होंने सरफेसी एक्ट में प्रोविजन किया कि इसके लिए एक हम ऑफिस बनाते हैं, उस ऑफिस का नाम सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल रजिस्ट्री नाम देगा, एक ऑफिस सेटअप किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप। उस ऑफिस में जो भी एक वेबसाइट बना दिया, उस वेबसाइट में सबका डिटेल लेने लग गए। किस चीज का डिटेल लेने लग गए कि जो भी मॉर्गेज लोन आपने डिपॉजिट की करके टाइटल डीड को डिपॉजिट करके लिया, जैसे सपोज कीजिए आपने 6 नंबर हाउस नरीमन पॉइंट सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन 6 करोड़। हाँ मैं ये बता था कि जैसे एक प्रॉपर्टी किसी ए बैंक ने लोन में दे दी, मतलब गिरवी रख ली, मॉर्गेज कर ली। अब बी बैंक, जो बी बैंक है वो इस प्रॉपर्टी को सर्च करता है कहां पर, सरसे में। तो उसने कहा ये तो पहले से हो रखी है, तो फ्रॉड को रोक लेगा। यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसीज ने 2011 के बाद कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है तो उसका रिकॉर्ड इस वेबसाइट, इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर मिलता है और उसको कोई भी पर्सन चेक कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज तो नहीं है। कोई भी लेंडर चेक कर सकता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं है, इस तरह से। ठीक है सर, सर सर एक रह गया था। हाँ, ये जो है ये इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए ही यूज करते हैं कि रजिस्टर मॉर्गेज के लिए भी यूज कर सकते? नहीं, केवल इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए। मैं आपको एक बार अभी फिर बता देता हूँ, सरफेसी एक्ट एग्रीकल्चर लैंड के लिए आया ही नहीं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम एंड करते हैं यहाँ पे।